Hello and welcome to the class. Transfer of property act 1882 के section 55 को आज हम पढ़ेंगे जो कि sale किस तरीके से होती है और sale के जो provision है जो chapter 3 में है उसी में deal करता हुआ एक section है. हमको पता है इस chapter में total 4 ही section है क्योंकि इसमें से एक section हम last class में पढ़ चुके हैं जिसमें sale के बारे में बताया गया. तो सेल किस तरीके से होती है वो सब हम सेक्शन 54 में पढ़ के आए और जो सेक्शन 55 है वो राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर की बात करता है. अगर एग्जाम में सेल का क्वेश्चन आता है और अगर आपके पास टाइम है कितने मार्क्स में क्वेश्चन आता है ये भी देखना होगा. अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो सेल के साथ साथ राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर लिख के आएंगे तो स्कोर अच्छा कर पाएंगे. और अगर टाइम कम है और मार्क्स भी जो जैसे 2 मार्क्स में आए 3 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो सेल को ही पूरे समझाने में सेशन 54 को समझाने में ही वो चला जाएगा. तो राइट्स एंड लायबिलिटीज के लिए शायद इतना टाइम नहीं बचे. लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसको एड करके लिख करके आइएगा अच्छे मार्क्स मिलेंगे. जैसे कि समझ में आ रहा है कि राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर की बात हो रही है कि बायर और सेलर दोनों की ही राइट्स के भी लायबिलिटीज की बातें बताता हुआ ये सेक्शन काम करता है. और जो कि हमें पता है जब हमने सेल की बात करी तो सेल में दो पार्टी ट्रांसफर और ट्रांसफरी में ट्रांसफरर सेलर होता है और ट्रांसफरी बायर होता है. बस उसी तरीके से इसमें उनकी राइट्स और लायबिलिटीज की भी बात हुई है. सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी राइट्स एंड लायबिलिटीज की बात करता है. वो मूवेबल प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में करता है और ये वाला एक्ट भी मूवेबल प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में करता है. तो जो वहां पर बताई गई क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज वैसी ही राइट्स एंड लायबिलिटीज यहां पर भी हैं. जैसे डिस्क्लोज करनी है सारी इंफॉर्मेशन कि क्या क्या इसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर क्या कमी है क्या अच्छाई है. बस वैसी ही सारी चीजें जो है इसी एक्ट में भी है और वो उस एक्ट में भी है. वहां मूवेबल प्रॉपर्टी और यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी. जब ये सेक्शन शुरू होता है बेयर एक्ट में तो पहली बात ये बोलते हैं अनलेस कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी. ये चीज लिख के आई यानी अगर पार्टीज के बीच में कौन पार्टी सेलर और बायर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है किससे रिलेटेड राइट्स एंड लायबिलिटीज को निर्धारित करता हुआ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है. जैसे ए सेलर बी बायर सी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम बेचेंगे सी को. ए बोलता है मैं सी प्रॉपर्टी जो मैंने उसको बेचना चाहता हूँ. बी खरीद रहा है पैसे देगा बी ए देगा प्रॉपर्टी और सेल हो जाएगी. तो उस समय दोनों के क्या अधिकार होंगे और क्या एक दूसरे के लिए उत्तरदायित्व होंगे उसी की बात करता हुआ सेशन 55 है. अब कह रहा है कि अनलेस कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी मींस जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया उन दोनों ने आपस में सेल का उस वक्त अगर उन्होंने डिसाइड किए थे कि ये हमारे दूसरे के प्रति राइट्स है ये हमारी लायबिलिटीज है तो वो राइट्स एंड लायबिलिटीज एप्लीकेबल हो जाएंगी. लेकिन अगर कुछ भी निर्धारित नहीं किया गया कुछ भी डिसाइड नहीं किया गया तो उस केस में जो इस सेक्शन में बताया गया है राइट्स एंड लायबिलिटीज वो वहां पर एप्लीकेबल होंगे. ठीक है क्लियर है. अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी मेंशन है तो उसके हिसाब से चलिएगा. नहीं बता रहे आप एक दूसरे की राइट्स एंड लायबिलिटीज तो इस सेक्शन के हिसाब से चलिएगा. इतनी बात स्टार्टिंग में ही कह दी गई सेक्शन 55 के. फिर इसमें टोटल जो है 6 पैराग्राफ है. इस सेक्शन में टोटल 6 पैराग्राफ है और 6 पैराग्राफ में से 3 पैराग्राफ जो बात करते हैं वो बात करते हैं सेलर की लायबिलिटीज के बारे में और 4th पैराग्राफ सेलर के राइट्स के बारे में बात करता है और बायर की लायबिलिटीज के बारे में 5वां और लास्ट का जो पैराग्राफ है दैट इज पैराग्राफ 6 वो बात करता है बायर्स के राइट्स के बारे में. तो आपको ये चीज ध्यान रखनी कि टोटल 6 पैराग्राफ है. फिर उसमें भी जो है क्लोज दी गई है. जब सबसे पहले पैराग्राफ 1 सेलर्स की लायबिलिटीज के बारे में बात करता है तो उसमें ए से लेके जी तक की क्लोज दी गई है यानी 7 तरीके की लायबिलिटीज बताई गई जो सेलर की बैठती हैं किसके प्रति बायर के प्रति. मैं उन सब लायबिलिटीज को पहले आपको बताती हूँ कौन कौन सी लायबिलिटीज है. लायबिलिटीज जो ए है उसको मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल इसी डायरेक्शन में क्योंकि वो नीचे लिखा हुआ है उसके बारे में नोट लिखी हुई है बात लिखी हुई है जो बहुत ज्यादा जरूरी है. इसलिए आपको मैं जो क्लोज 1 है सॉरी क्लोज ए है हमारे सेक्शन 55 के जो पैराग्राफ 1 है उसकी क्लोज ए क्या कहती है वो हमें जानना बहुत जरूरी है. वो ये कहती है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑब्वियस उसी के बारे में सेल हो रही है क्योंकि ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है मूवेबल प्रॉपर्टी तो है ही नहीं. तो जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में सेलर को वो बात पता है जो बायर को पता नहीं लग पाएगी अगर बायर उसका इंस्पेक्शन करता है तो. समझिए बात को. जब कोई प्रॉपर्टी खरीदने की बात हुई हम अपने वापस से एग्जांपल पे चलते हैं. सी खरीदना चाहता है कौन बी सी नामक प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है बी ए बेचना चाहता है क्योंकि वो एक ही प्रॉपर्टी है. अब यहाँ पर क्या हुआ जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा कोई व्यक्ति तो वो उसका इंस्पेक्शन तो करेगा
कैविट एम्प्टर का रूल जो होगा हमेशा एप्लीकेबल होगा हमेशा बायर को, क्योंकि पैसे दे रहा है तो उसको जो है इतना अवेयर रहना जरूरी है कि जो चीज मैं खरीद रहा हूँ वो मतलब उसमें किसी तरीके का कोई मेरे साथ कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा। क्योंकि अगर जानबूझ के किसी ने आपको फोन पे कहा कि ये प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कहते तो ठीक है मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ या कर देती हूँ, तो वॉट इज दैट? मतलब आप खुद ही जानबूझ के बिना देखे बिना सोचे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं फोन पे, दैट इज नॉट पॉसिबल ना। तो क्या होगा, बायर क्या करेगा, जाके के चेक करेगा कि जो मैं प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूँ वो ठीक ठाक तो है, ठीक ठाक का मतलब कि वो मेरे साथ कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा, और जो प्रॉपर्टी है उसमें कुछ जैसे ऐसे फॉर एग्जाम्पल की खेत बेचने की बात करता है, एक सीन है जो है वो खेत है, अब उस खेत में वो कहता है इस पे ये फसल उग सकती है क्योंकि इसकी जमीन ऐसी है, अब वो जाकर के टेस्ट करेगा कि ये वास्तव में सच है या नहीं है, ठीक है ऑब्वियस, क्योंकि वो खरीद रहा है उसी पर्सपेक्टिव को सोचते हुए कि हम मुझे जो है इस पे ये उगाना है क्योंकि ए बोल रहा है कि इस पे ये उग सकता है, तो अब वो जा रहा है चेक करने, तो चेक करते वक्त उसको जो बातें पता चल सकती है दैट्स ऑल लाइक वेरी गुड कि ठीक है उसको सब पता चल रहा है, लेकिन कोई ऐसी बात है उस जमीन के बारे में जो ए को पता है क्योंकि वो उसे यूज करता है, उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर कोई और बायर नहीं होता कोई और भी होता तो इंस्पेक्शन करते हुए उसको पता नहीं चल पाएगा कि इसके अंदर क्या है, वो सेलर को तो पता है क्योंकि वो यूज कर रहा है। अब यहां पर सेलर का सबसे पहली बात इसमें क्लोज ए में ही रहेगी, उसकी लायबिलिटी बैठती है बायर के प्रति कि उसको ये बताना कंपलसरी है कि इसमें जमीन में ये प्रॉब्लम है, ये आपको पता नहीं चल पा रही, इसमें ये चीज है, मीन्स ईच एंड एवरीथिंग विच कैन नॉट बी टोल्ड विच कैन नॉट बी नोन टू बायर जस्ट बाय इंस्पेक्टिंग द प्रॉपर्टी, वो सारी बातें बतानी पड़ेगी सेलर को बायर को, जो कि पता नहीं चल पाएंगे बायर को देखने से इंस्पेक्शन करने से, वो सेलर को बतानी पड़ेगी कि हाँ ऐसा है, और वो अगर बताता नहीं है छुपाता है तो क्या होगा, यही नोट में कहा गया वो फ्रॉड कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा कि सेलर ने बायर के लिए बायर की तरफ क्या किया, फ्रॉड किया। ये मैंने इसलिए बोला नोट को हमें ध्यान से सुनना है और पढ़ना है और इसको नोट रखना है कि अगर पैराग्राफ वन में मेंशन की गई लायबिलिटीज में से क्लोज ए जो आती है उसका अगर जो ओमिशन होता है मतलब उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर नहीं करता है सेलर बायर को तो वो फ्रॉड में आ जाएगा, ठीक है। तो अब उसके अलावा और कौन कौन सी लायबिलिटीज है और सेलर की क्या क्या लायबिलिटीज बैठती है, तो लायबिलिटी ये बैठती है कि जो भी उस पर जो भी डॉक्यूमेंट है जो ऑफिस पेपर होंगे प्रॉपर्टी का जब ट्रांसफर हो रहा है तो जो प्रॉपर्टी की ट्रांसफर है वो अगर बायर चाहता है प्रॉपर्टी का, मैंने इंस्पेक्शन कर लिया अब मुझे कागजात भी दिखाओ अपनी जमीन के कि हाँ ये आप ही की है कि नहीं है, तो वो कागजात भी चेक कर सकता है, वो डॉक्यूमेंट्स भी वो चेक कर सकता है इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या लायबिलिटी बैठती है, और ये लायबिलिटी बैठती है जब उन्होंने डिसाइड किया था कि इस टाइम पर इस प्लेस पर आपको प्रॉपर्टी कन्विंस कर दी जाएगी ट्रांसफर कर दी जाएगी तो उस प्लेस पे उस टाइम पे ट्रांसफर हो जानी चाहिए। अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में टाइम और प्लेस मेंशन किया हुआ है वेल एंड गुड, वहां पर उस जगह पर उस समय पर हो जाएगा। अगर मेंशन नहीं होता तो यहां पर ध्यान रखना है प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस की जो है प्रोविजन चलता है, दैट इज व्हाट कि प्रॉपर टाइम प्रॉपर प्लेस की इस तरीके से प्रॉपर टाइम तो होता है कि प्रॉपर्टी की कीमत नहीं गिरे आप उस समय ना उसे ट्रांसफर करें, और दूसरी चीज ये बोल रहे हैं कि जो है प्लेस क्या होता है, प्लेस या तो जहां पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ या सेलर का प्लेस या फिर जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां पे ट्रांसफर होता है, तो प्रॉपर टाइम प्रॉपर प्लेस पे, अदरवाइज जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में आपस में डिसाइड किया था उस हिसाब से चलेगा। तो उसको कन्वेंस भी करना है, डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन भी है, प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन भी है, और यहां पर अगर जो वो बोलता है बायर बोलता है कि मैं कन्वेंस लेने नहीं आऊंगा मेरी जगह ये व्यक्ति आएगा, तो जिसको वो डायरेक्ट करता है जिसके लिए वो डायरेक्ट करता है सेलर उसको कन्वेंस कर देगा, ठीक है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया सेल का और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में सेल का और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में और पोजेशन लेनी डिलीवरी होनी अभी बाकी है बायर को, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितना भी समय होता है उस समय में जो सेलर होगा वो प्रॉपर्टी की पूरी तरीके से देखरेख करेगा ऐसे सोच के कि प्रॉपर्टी मेरी ही है, उस प्रॉपर्टी में जो भी प्रोडक्ट्स मैनोफॉर्डनरी प्रोडक्ट्स जो उसकी टेक केयर करेगा ना वो सारी बातें उस तरीके से ही उसको ध्यान में रख के करना है, यानी एक
एक व्यक्ति जैसे अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान रखता है, वैसे ही सेलर को उस जो उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बेचने की जिस प्रॉपर्टी का, उसका ध्यान रखना है। फिर जब प्रॉपर्टी बेची जा रही है तो उसमें अगर इस तरह की उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया गया कि इट शुड बी फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस, इनकम्बरेंसेस का मतलब इस पे किसी भी तरीके का चार्ज नहीं होना चाहिए, पब्लिक चार्ज नहीं होना चाहिए, मीन्स ऐसा तो नहीं प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नमेंट को नहीं दिया, कोई इंटरेस्ट था वो आपने लोन लिया था वो नहीं दिया, मीन्स किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी पे कोई भार नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी क्लोज के साथ में आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, सेलर ट्रांसफर कर रहा है बायर को, तो वो फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस ही होना चाहिए। ये लायबिलिटी बैठती है सेलर की, तो ये सब लायबिलिटी सेलर की होती है। और कोई लायबिलिटीज भी बच गई क्या? जी हाँ बिल्कुल, हमें साथ अभी हमारी पूरी नहीं हुई है। लायबिलिटी ये बैठती है कि अगर कोई भी क्वेश्चन बायर कभी भी कुछ भी क्वेश्चन करता है उसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है प्रोवाइड कराएगा सेलर बायर को। तो ये सारी लायबिलिटीज सेलर की बैठती है बायर की तरफ। फिर जब हमारा जो पैराग्राफ टू है वो क्या कहता है, वो कहता है देखो, जब मैं आपको सामने जो इन दोनों में पैराग्राफ टू और पैराग्राफ थ्री में, वैसे तो जो पैराग्राफ वन है, पैराग्राफ फोर फाइव सिक्स जो भी आपके सामने टाइटल आपको बोर्ड पे नजर आ रहे हैं, वो ऐसे कोई भी टाइटल, ऐसा कोई भी हेडिंग बेरेक्ट में नहीं है। ये मैंने खुद से बनाया है आपके इस काम को इजी करने के लिए, कि जब आप उसको देखेंगे सेक्शन को बोर्ड पे और आप इसके नोट्स बनाना चाहे लिखना चाहे बिल्कुल लिखिए, क्योंकि जब आप एक्ट को पढ़ने बैठेंगे तो आपको इससे एक क्लू है आपके लिए, या आपको इस तरीके से एक क्रक्स प्रोवाइड कर रहा है कि इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है। मैंने इसलिए ये लिख दिए हैं। सबसे पहला जो बताया मैंने आपको, पैराग्राफ वन में सेलर की लायबिलिटी है, पैराग्राफ टू में सेलर हैज द कैपेसिटी टू ट्रांसफर। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, सेलर हैज द कैपेसिटी टू ट्रांसफर, यानी सेलर के पास कैपेसिटी होनी चाहिए ट्रांसफर की। पैराग्राफ टू क्या कहता है कि पहले जो सेलर है उसके पास प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, और सेक्शन 54 में हम ये बात पढ़ के आए हैं कि सेलर के पास कैपेसिटी होनी चाहिए। और मैंने ये सेक्शन 54 की क्लास में ही बता दिया था कि कैपेसिटी का मतलब ये नहीं कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले प्रोविजन, सिर्फ वो तो है ही ऑब्वियस। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट बात है जो वो यहाँ पर ये बात हमें ध्यान रखनी है कैपेसिटी में, वो ये कि सेलर के पास अधिकार होना चाहिए, पावर होनी चाहिए उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की, उसका खुद का इतना इंटरेस्ट होना चाहिए, हक होना चाहिए प्रॉपर्टी में कि वो ट्रांसफर कर पाए। अगर उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, उसके पास पावर ही नहीं है ट्रांसफर करने की, तो ऑब्वियस ही बात है वो सेल वो नहीं कर सकता है। यहाँ पर हमको ये बात ध्यान रखनी है, इस पैराग्राफ में यही कहा गया कि बायर चेक करेगा कि उसकी कैपेसिटी है सेलर की कि नहीं, सेलर के पास अधिकार है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का कि नहीं, डॉक्यूमेंट चेक करके पता लग जाएगा, तो वो ये चीज देखेगा। और अगर जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सेल का वो इस तरीके का कि फिड्यूशियरी कैरेक्टर है, मतलब आपस में विश्वास का है, तो सेलर के बिहाफ पे जो व्यक्ति बायर के पास जाता है और सेल के लिए बात करता है, तो उसको ये बताना पड़ेगा बायर को कि जो सेलर है उसको किसी भी तरीके का इनकम्बरेंसेस वो प्रॉपर्टी पे नहीं रखता है, इनकम्बरेंसेस भी बताया आपको कोई चार्ज नहीं रखता, और कोई भी बात वो व्यक्ति बताएगा जो सेलर की तरफ से जा रहा है, वो ये बताएगा कि कोई भी बात आपसे नहीं छुपा रहा है सेलर जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब फिड्यूशियरी के कैरेक्टर में है, जब एक दूसरे के विश्वास की बात हो रही है, तो ये बात बायर तक कन्वे होनी जरूरी है। इस प्रोविजो में ये बताया गया, जिसमें जो प्रोविजो दिया गया है उसमें बताया गया है। फिर हमारे पास जो पैराग्राफ थ्री है वो कहता है सेलर बाउंड टू डिलीवर, सेलर बाउंड टू डिलीवर डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल। यहाँ पर आप ध्यान रखना, दो चीजें आ गई, एक तो लायबिलिटीज बता दी, फिर उसके पास कैपेसिटी भी थी और उसके पास डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल। जब पैसा मिल गया प्रॉपर्टी का तो जो डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल हैं बायर के पास जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। ऑनरशिप प्रॉपर्टी की कैसे पता चलेगी, जब खेत होते हैं आपने कभी देखे हो तो खेत लाइन से होते हैं, मतलब लाइन से का मतलब बिल्कुल एक, आप कभी सड़क से गुजरिएगा, आप किसी भी हाईवे से जाते हो तो देखते होंगे कितने सारे खेत लगातार चलते रहते हैं, क्यों में होते हैं, तो वहां पर कहीं पर ऐसा किसके कैसे पता चलेगा कि किसकी प्रॉपर्टी वहां पे, कहीं पे बोर्ड थोड़ी ना लगे होते हैं कि ये प्रॉपर्टी इसकी है, ये प्रॉपर्टी इसकी, ये खेत इसका है, नहीं होता ना। तो कैसे होता है, वो डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल से ही पता चलेगा ना प्रॉपर्टी बायर के पास चली गई, तो डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल सेलर बाउंड है कि वो बायर को डिलीवर करेगा। अब यहां जब डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल को ट्रांसफर करने की बात हो रही है तो इसके प्रोविजो को भी बहुत ध्यान से समझना है। इसके प्रोविजो में दो बातें कही गई हैं, क्या बातें कही गई हैं, पहली बात इसके प्रोविजो में ये कही गई कि अगर, देखिएगा सुनिएगा, अगर एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ से, अभी ये हम घर बना लेते हैं ठीक
ठीक है, ये हमने घर बना लिया और इस घर में एक दो तीन और चार कमरे हैं, ठीक है। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये हमारी प्रॉपर्टी सी नामक एक घर है, ठीक है। इसको बेचने का दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए सेलर है बी बायर है। अब इस जब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई तो ए क्या करता है, सारी प्रॉपर्टी को कहता है ट्रांसफर करो, लेकिन इसका इतना पार्ट मींस एक कमरा ये अपने पास रख लेता है। अब हमें ये तो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ना इस चीज के लिए कि एक कमरा ए के पास रहेगा, तो बाकी सारे कमरे बी के पास चले जाएंगे, तो सेल तो हो रही है तो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऐसा ही है। लेकिन जब बात आ रही है डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल की तो वो उसका क्या होगा, तो इसके प्रोविजो में ये कहा गया अगर इस तरीके का प्रोविजन है, इस तरीके की चीज चल हो रही है कि उसमें से कुछ पार्ट ए के पास रह जा रहा है, तो उस केस में डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ए रख सकता है, ध्यान सुनिएगा, रख सकता है ए, मतलब सारी प्रॉपर्टी के कागजात ए रख सकता है। फिर दूसरा जो प्रोवाइज दूसरे जो बात कही गई है इसी के प्रोविजो में वो ये कही गई है कि अगर ऐसा होता जैसे ए ने प्रॉपर्टी बेच दी, अब ए ने प्रॉपर्टी बेची बी को ही नहीं बल्कि डी ई एफ ये बहुत सारे बायर है और इन्होंने बहुत बड़ी जमीन थी, उस जमीन की उन्होंने कई सारे बहुत सारे पार्ट्स कर लिए, तो अब उन पार्ट्स में अलग अलग बायर्स को उसने जो है बेच दिया। एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ा घर था, ठीक है ना, बहुत ही बड़ा, जैसे आपने गांव में देखे होंगे बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, तो एक बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, मतलब इतने बड़े घर होते हैं कि उसमें से आराम से 10 घर तो आराम से निकल जाएंगे। इट्स ट्रू, मैंने देखे, शायद आपने भी देखे होंगे गांव में इतने बड़े बड़े घर एक्चुअल में होते हैं। तो अब वो घर जब बेच रहा है तो उसमें बहुत सारे बायर्स ने घर खरीद लिया, अब घर जो खरीदा है इतने सारे बायर्स आ गए, तो डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल की बात करेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल कैसे ट्रांसफर करेगा सेलर, तो उसमें बोल रहे हैं इसकी प्रोविजो में एक बात तो ये नहीं थी, तो हमने बात की थी कि उसमें से कुछ हिस्सा ए ने रख लिया तो वो अपने पास डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल रख सकता है। लेकिन ये वाला केस जब बहुत सारे बायर्स हैं तो केस कहां जाएगा, तो उस केस में जाएगा जिसने हाईएस्ट वैल्यू पे करी है इस पूरे घर की, उसके पास चला जाएगा डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल से, ई ने हाईएस्ट वैल्यू सबसे ज्यादा पैसे इसको खरीदने में ई के थे, तो डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ई के पास चला जाएगा। लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा, बाकी बायर्स का क्या होगा, नंबर वन। अच्छा, दूसरा हमने पहली बात जो पढ़ी थी कि ए ने सेलर था उसने डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल अपने पास रख लिया, तो बी का क्या होगा, तो ये बोला गया कि जब भी बायर, पहले वाला केस अपना ध्यान रखिएगा और बाद वाला बायर्स, दोनों ही के केस में क्या होगा, जो ये लोग होते हैं बायर्स और या फिर बायर, वो क्या कर सकते हैं, वो सेलर को ये बोल सकते हैं या बाकी बायर्स को बोल सकते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल दिखाइए जब भी वो चाहेंगे, और कॉपी उनसे मांग सकते हैं, और बाकी जो लोग जिसके पास डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल होंगे उसकी उसकी जिम्मेदारी बैठती है कि वो डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल को प्रोटेक्ट करके रखे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि वो क्या कर रहा है, एक तरीके से बाकी सबके लिए काम कर रहा है, तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि उसको टाइटल डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल को प्रोटेक्ट करके रखेगा और किसी भी तरीके के नुकसान से उसे बचाएगा। हाँ, कभी भी कुछ ऐसी चीज हो गई जो उसके अधिकार में नहीं है या उसके काबू में नहीं थी, जैसे फायर आग लग जाए या इनेविटेबल कोई एक्सीडेंट हो जाए, बाढ़ आ जाए, पानी में भीग जाए, अगर कुछ इस तरीके का हो गया तो अदरवाइज उसको टेक केयर करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल की। फिर जो पैराग्राफ 4 है वो कहता है सेलर्स राइट। अब सेलर के अधिकार क्या है, सेलर के अधिकार ये है कि जब तक उसको पैसा नहीं मिल जाता तब तक जो उसके रेंट्स है प्रॉफिट्स है वो सब सेलर के पास रहेंगे प्रॉपर्टी से जो भी आएंगे, और जब उसने प्रॉपर्टी बेचने के लिए बोल दिया तो उसको जो भी पैसा आएगा, मतलब जो भी पैसा है, पैसा मतलब जिस अमाउंट पे जिस मनी पे वो पैसा वो बेच रहा है अपनी प्रॉपर्टी, जो कंसिडरेशन में उसको पैसा मिलेगा, क्योंकि तो हमें पहले ही पढ़ा था मनी होना चाहिए, पैसा होना चाहिए सेल में, तो जो उसको पैसा मिलना चाहिए वो उसे मिलेगा। फिर बायर्स लायबिलिटीज क्या है, बायर की लायबिलिटी सबसे पहले इसमें देखेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो ए नामक क्लोज में कही गई वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो भी नहीं पूरी करेगा कौन बायर, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो भी फ्रॉड का केस बनेगा। सेलर की लायबिलिटी का एक क्लोज, बायर की लायबिलिटी का एक क्लोज, दोनों फ्रॉड का केस बनाते हैं अगर बायर इस केस में और सेलर इस केस में उस चीज को दूसरी पार्टी को नहीं बताता। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही केस है जो सेलर की लायबिलिटी में था, कि बायर को कुछ ऐसी चीज पता है प्रॉपर्टी के बारे में जो सेलर को नहीं पता। ये कैसी हो सकती है, ये ऐसी हो सकती है, से फॉर इंस्टेंस कि उसको ये पता है कि इसकी जो कीमत है वो इतनी है, बट सेलर को नहीं पता, उसे वो कहीं और किसी और सिटी में रहता है और बायर इधर रहता है, तो उसने क्या किया, अब बताओ बायर इधर रहता है मीन्स उसी सिटी में रहता है, उसी जगह पर रहता है जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, या फॉरेन में रहता है बायर, ठीक है, सेलर सॉरी, उसको नहीं पता यहाँ कीमतें क्या चल रही है, तो बायर कहता है ये इतनी कीमत है, उसको पता है एक्चुअल में इतनी
हैं या मार्केट में इतनी चल रही है, तो उसको शायद सेलर को नहीं पता। तो जो चीजें उसके बारे में प्रॉपर्टी के बारे में पता होनी चाहिए सेलर को, वो बायर को पता है, तो बायर की जिम्मेदारी बैठती है कि वो उसको बताए, और अगर नहीं बताएगा तो वो फ्रॉड में आ जाएगा। तो बायर की लायबिलिटी ये है सबसे पहली। इसके अलावा बायर की लायबिलिटी क्या है, जैसे अभी हमने बात की पोजेशन लेने की, जब बात आती है तो जब वो पोजेशन कह रहा है सेलर ले लो, आपने पैसे दे दिए, पोजेशन ले, ये उसकी जिम्मेदारी बैठती है। पैसे चाहे पार्ट में हो, चाहे जिस तरीके से उनके बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पैसे दे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी दे रहा है आपको। पहले ही सेलर ने प्रॉपर्टी पर की पोजेशन दे दी थी, ये बात हुई थी कि पैसे आप बाद में देंगे, तो जिस टाइम पे आपने बोला गया था आपने पैसे देने हैं, आप उस पे उस टाइम पे उसको पैसे दे दीजिए। फिर अगर आपके पास पोजेशन थी और अभी आपको सेल नहीं, मतलब आपने पैसे नहीं दिए, तो आप प्रॉपर्टी का कोई नुकसान नहीं करेंगे, बिल्कुल आपको ऐसे टेक केयर करनी चाहिए जैसे वो आपकी है। मतलब आप बायर को बोल रहे हैं कि आप कोई भी नुकसान प्रॉपर्टी का नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी की पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। सेलर की लायबिलिटी थी ना कि प्रॉपर्टी की रक्षा करनी है, प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देना है, उस तरीके से बायर की भी लायबिलिटी बैठती है। बायर की क्या राइट है, ऑब्वियसली बात है जब प्रॉपर्टी उसकी हो गई, उसने पैसे दे दिए, तो जो रेंट प्रॉफिट होंगे जो होंगे वो सारे बायर्स के होंगे। और अगर वो कोई इनकम्ब्रेंसेस भरता है, कोई इनकम्ब्रेंसेस, जैसे उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जो प्रॉपर्टी होगी वो फ्री फ्रॉम इनकम्ब्रेंसेस होगी, इसके ऊपर कोई भार नहीं होगा प्रॉपर्टी में, किसी भी तरीके का ब्याज नहीं देना, कुछ देना लेना नहीं बचता, उसमें पता नहीं था बायर को, उनके बीच में क्लोज तो यही थी कि इसमें कोई इनकम्ब्रेंसेस नहीं होगा, लेकिन बायर को ना पता था और सेलर ने उसको इनकम्ब्रेंसेस के साथ में बेच दी, इनकम्ब्रेंसेस ने बेच दी, तो उस केस में बायर को क्या होगा, देने तो पड़ेंगे। अगर गवर्नमेंट को कुछ पैसे देने, कुछ टैक्स देना, इंटरेस्ट देना है बैंक को, तो बैंक तो लेगा ही, तो वो तो बायर को पे करना पड़ेगा। तो जो बायर को जो पैसा सेलर को देना था ना, वो उसमें से इनकम्ब्रेंसेस की अमाउंट काट सकता है, ये बायर का अधिकार है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब डिलीवरी ले लेगा पोजेशन, तो वो उसकी होगी, जैसे चाहे वो उसको यूज करे। तो ये राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर है जो हमने पढ़ लिए, जो 6 पैराग्राफ में डिवाइड किए गए थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।